ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार पर देने के लिए शुरू किए गए पॉलीक्लिनिकों में पिछले कुछ महीनों से जरूरी दवाइयां खत्म होने से हमीरपुर व आसपास के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर के विभिन्न भागों से आए दिन दवाई लेने आ रहे मरीजों को केवल मायूसी ही हाथ लग रही है और उनके पैसों के साथ साथ समय की बर्बादी भी हो रही है। मरीजों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दवाई न मिलने की पूरी जांच होनी चाहिए कि कहां पर कोताही बरती जा रही है। पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार पर देने के लिए शुरू किए गए पॉलीक्लिनिक में पिछले कुछ महीनों से जरूरी दवाइयां खत्म होने से हमीरपुर व आसपास क्षेत्र से आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर के विभिन्न भागों से आए दिन दवाई लेने आ रहे मरीजों को केवल मायूसी ही हाथ लग रही है और उनके पैसे के साथ समय की भी बर्बादी हो रही है। मरीजों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दवाई न मिलने पर पूरी जांच होनी चाहिए कि कहां पर कोताही बरती जा रही है। हमीरपुर के पूर्व सैनिक आजकल ECHS में दवाइयां न मिलने से परेशानी झेल रहे हैं और उन्हें अपने इलाज के लिए बाहर से महंगी दवाइयां खरीदकर इलाज करवाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जिला स्तर पर पॉलीक्लिनिकों को शुरू किया जिसमें उनके निःशुल्क जाँच के साथ ही मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती है, लेकिन पिछले महीनों से मरीजों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। लदरोड से आई वृद्ध महिला ने बताया कि पिछले कई महीनों से दवाई के लिए आ रही है मगर दवाइयां उपलब्ध नहीं है जिससे उनके समय के साथ पैसे भी खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाई के लिए 15 दिन बाद आने को कहा जा रहा है। मरीज विधि चंद सोनी ने कहा कि ECHS में दवाइयां न मिलने से सभी में रोष व्याप्त हो रहा है और इसके कारणों के बारे में पता लगना चाहिए कि किस स्तर पर कोताही हो रही है जिसके कारण मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है। गुजारिश करता हूं कि हम बहुत दूर दूर से किराया खर्च कर आते हैं दवाई लेने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए, लेकिन यहां आकर हमें कोई भी जो है वो दवाई नहीं मिलती है। कम से कम 2-2.5-3 महीने से यहाँ दवाइयों की जो है वो शॉर्टेज है, दवाइयाँ पीछे से नहीं आ रही हैं। ये चीज़ का हमें कोई पक्का पता लगना चाहिए कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है या यहाँ से कोई गड़बड़ी हो रही है, इस चीज़ का जो है वो निष्कर्ष निकलना चाहिए। और हम जो मतलब बीमार आदमी हैं, अपनी ज़िंदगी देश के ऊपर जो है वो कुर्बान करने के लिए गए थे, बहुत मुश्किल से हमने मतलब यहाँ फौज की नौकरी करने के बाद घर में आए हैं। परमात्मा का शुक्र है कि अभी तक हम ये जीते हैं, लेकिन दवाइयों की वजह से हम अब जो बूढ़े आदमी हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, उनके घुटनों में दर्द है, बाकी शरीर भी जो है वो चलने के काबिल जो है वो नहीं है। तो हम ये गुजारिश करते हैं सरकार से कि वो यहाँ पे दवाइयों का कंप्लीट भंडार जो है वो यहाँ भेजें ताकि बीमारों को जो है उनको दवाई मिलकर उनका इलाज हो सके। तो हम आगे जो है वो इस प्रदर्शन को और ज़्यादा तेज़ करेंगे और सरकार के कानों की जो जूं नहीं रेंग रही है उसका जो हम भरपूर जो है इलाज करेंगे। चंडीगढ़ जांच करवाने के बाद आ रहे मरीजों ने कहा कि डॉक्टर ने दवाई रोज लेने को कहा है और यहां दवाइयां उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहर से दवाई लेने को कह रहे हैं मगर दवाई बहुत महंगी है और इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो मैंने आज से बोले दवाई कोई नहीं, मैंने रेफर कराया, जितने 15 दिन उधर रेफर आया, उधर से आकर 5 दिन की दवाई दी उन्होंने, वो खत्म होने वाली है। अभी बोला उन्होंने कि पेमेंट दे, डॉक्टर ने बोला तो पेमेंट लेंगे, मतलब मेरे पास हो जाएगा, पैसे नहीं होंगे कहाँ से लेंगे, 2 महीने में कोई दवाई नहीं है, पेमेंट ले लो आप, बिल दे दो हमें, तो पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लेंगे, ये 5000 की दवाई कहाँ से आएगी, महीने के 5 लाख। डॉक्टर बोलता है कि जब तक जीना है तो खाना पड़ेगी, अभी कहाँ से खाएँ। 2 महीने हो गए, लोग इतने दूर दूर से पैसे खर्च करके आ रहे हैं दवाई लेने के लिए और जब यहाँ आ रहे हैं तो बोल रहे हैं दवाइयाँ नहीं हैं, तो कहीं हाउस में दवाइयाँ नहीं, तो किस तरह स्टाफ रहे, क्या कर रहे हैं, फिर
क्या यहाँ क्या आने का क्या ये करने के लिए, दो महीने हो गए बोलते दवाई नहीं है। आज जो आए हैं जो कल दूसरे आएंगे कंप्लेंट की, कर्नल साहब बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे जब पीछे दवाई नहीं आ रही है, वो भी सही बोल रहे हैं क्या करेंगे, वो भी जब दवाइयाँ नहीं, वो भी कहाँ से देंगे।